और जैसे कि आपको पता है एग्जाम मंथ भी आने वाला है, तो मेरे असाइनमेंट स्टार्ट हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो जल्दी अपलोड करने की। अगर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स हो गया तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जब ब्यूल जंगवू की चिट देख रही थी तो ल्यूनी जागी हुई थी, एंड एज ऑडियंस हमें पता लगता है कि एडन को ऐसा लगता है कि जंगवू और ब्यूल सीक्रेटली डेट कर रहे हैं, और ये बात एजेंसी छुपा रही है, और इस सीक्रेट को एडन पता करके रिवील करना चाहता है, और इस प्लान में वो ल्यूनी को भी शामिल कर लेता है। नेक्स्ट नाइट को ह्यून न्यू सॉन्ग को कंपोज कर रहा होता है, एंड वो ब्यूल डायन को डांस करने के लिए बोलता है, बट डायन को मैनेजर की बात याद आती है और वो बोलते है कि नहीं, मैं जस्ट गाना गाऊंगी, मैं डांस नहीं करूंगी। इतने अच्छे डांसर होकर डांस के लिए मना कर रहे हो, कहीं तुम एलियन तो नहीं हो। ह्यून गाना कंपोज करने लग जाता है और हंसते हुए ब्यूल को यानी कि डायन को देखने लग जाता है, निहारने लग जाता है। एंड जब ह्यून डेस्क पर सो जाता है तो ब्यूल उसके लिए नोट रख देती है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुमको नहीं उठाया, एंड वो जंगवू से मिलने के लिए टेरिस पर चली जाती है। बट टेरिस कैमरे के थ्रू उनको राक्षस और राक्षसी भी देख रहे होते हैं, ल्यूनी और एडन, क्योंकि वो उन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ना चाहते थे। इतने में टेरिस डोर पर नॉक होती है और डायन उसको खोलती है कि इतने में कोई हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लेता है। इसी बीच डायन का फोन बाहर गिर जाता है, एंड ये और कोई नहीं जंगवू होता है जो डायन को स्टोर रूम में मिलने के लिए बोलता है। और टेरिस पर किसी को न देखकर एडन और ल्यूनी सैड हो जाते हैं, उनके प्लान पे तो पानी फिर गया। एंड डायन जैसे स्टोर रूम जाती है जंगवू वैसे उसको टाइटली हग कर लेता है, बट डायन उसे साइड करते हुए गुस्सा करती है कि आपने ना मेरा फोन उठाया ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया क्यों, जिस पर जंगवू डायन को सारी रामकथा बता देता है कि पिक्स ले ली थी और मेरा फोन ले लिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, और अब से हम रोज रात को 2 बजे यही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। जिस पर ब्यूल एक्साइटेड हो जाती है कि स्कूल की तरह हैंड आउट बन गया ये भी हमारा, रुक मैं अभी आई। एंड यहाँ ह्यून भी उठकर नोट पढ़ लेता है, एंड ब्यूल काफी स्नैक्स और मैट लेके जा रही होती है जिसको ह्यून देख लेता है और उसके पीछे जाता है, एंड वो जंगवू और ब्यूल को साथ में देख लेता है बट स्टिल कुछ नहीं बोलता। जंगवू टायन को अपना लिखा हुआ सॉन्ग बताता है, दोनों वो सॉन्ग गाने के लिए विदाउट कैमरे वाले स्टूडियो में जाते हैं और दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। देन टायन सडनली नोटिस करती है कि उसका फोन उसके पास नहीं है, जो कि रूफ से एडन ने उठा लिया होता है, एंड वो ब्यूल डायन के फोन को खुलवाकर जंगवू और उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखना चाहता होता है। चारी डायन अपना फोन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। ह्यून जंगवू को इनडायरेक्ट वे में बोलता है कि उसने उसको और ब्यूल को साथ में देख लिया है, एंड ह्यून की बातें सुनकर जंगवू से डायरेक्टली पूछ लेता है कि आप ब्यूल को लाइक करते हो। इस पर ह्यून प्रॉपर आंसर नहीं देता, जस्ट इतना बोलता है कि जब भी मैं उसको देखता हूँ मेरे को उसके साथ अच्छा रहने का मन करता है। जंगवू ब्यूल के क्लोज मत जाइयो, एरी को खरबूजा जरा पसंद नहीं होता इसलिए वो बोलते है कि अजीब है, जिसे सुनकर खरबूजा, अबे खरबूजे जैसी तो शक्ल है इसकी, एरी को पूछता है क्या तुम ब्यूल को जानती हो। फ्लो फ्लो में तो एरी के मुंह से हाँ निकल जाता है बट वो बात को संभाल लेती है। ब्यूल खरबूजे को कैफे के काम सिखा रही होती है, बट खरबूजा इनडायरेक्ट वे से ब्यूल के सामने जो कि डायन बनी होती है, बट ब्यूल उन टॉपिक्स को टालने की कोशिश करती है कि ब्यूल तो बहुत इमोशनल है, ऐसी है वैसी है, बट खरबूजा चुप भी नहीं हो रहा था, कॉन्टिन्यूटी में बोला जा रहा था। जंगवू डायन से ह्यून के बारे में उसके विचार पूछता है और जंगवू डायन को बोलता है कि मेरे को लगता है कि ह्यून तेरे को लाइक करता है, जिस पर डायन इस बात को जरा सीरियस नहीं लेती और मजाक में उड़ा देती है। नेक्स्ट डे डायन और ह्यून का फोटोशूट चल रहा होता है, क्लोज पोज के लिए ह्यून डायन को टच करके अपने पास क्लोज करके पिक्स क्लिक करता है, जिसे देखकर जंगवू तो टोटली जल जाता है, अरे फेस देख रहे हो। ब्यूल को सेकंड शूट के लिए ड्रेस चेंज करनी थी, जिस पर एक वो शॉर्ट सी ड्रेस पहन के आ जाती है जो बहुत अनकंफर्टेबल थी, एंड ह्यून पूछता है ये क्या पहन के आए हो, एंड ब्यूल बोलती है कि मैंने सुना है कि मेरी ड्रेस गुम हो गई है इसलिए। जंगवू और हवाइन डायन के साइड से बोलने लग जाते हैं, बट इतने में ह्यून डायन को अपने कोट से कवर करते हुए कैमरामैन को डायन का आउटफिट चेंज करने के लिए बोलता है। स्टिल डायन को उसका आउटफिट नहीं मिल रहा होता, जिस पर ह्यून बोलता है कि मेरे कपड़े पहन लो, एक शूट के लिए बॉयफ्रेंड वाली मैचिंग भी हो जाएगी और ये स्वर्ण वस्त्र से तो यही अच्छा है। जब डायन चेंज कर रही होती है तो डिजाइनर ह्यून को बताती है कि ल्यूनी जबरदस्ती ब्यूल के कपड़े ले गए थे और मैंने उनको रोका भी बट वो नहीं माने, एंड ह्यून सबके सामने ल्यूनी को कन्फ्रंट करते कि उसने ब्यूल के कपड़े चुराए, जिस पर पहले तो डिनाई करती है बट ह्यून उसको सीसीटीवी कैमरे का बोलकर चुप करवा देता है। एंड ह्यून डायन से डायरेक्ट पूछता है कि तेरे और ल्यूनी में क्या सीन चल रहा है। डायन वो हमेशा ही बैड बिहेव करती है पर मैंने उसको बहुत समझाया, क्यों तुमसे देखा नहीं चाहता अगर तुम्हारे मेंबर को कोई बुली करे, नहीं मुझको उनसे नफरत है जो आपको तंग करते हैं। इतना बोलकर ह्यून डायन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है इसको छुड़ा, एंड गेस व्हाट डायन वो हाथ छुड़ा लेती है। ह्यून हंसते हुए बोलता है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रखा था क्या, तुम इतनी स्ट्रांग हो। यहाँ राक्षस और राक्षसनी एडन और ल्यूनी ब्यूल डायन के फोन के पासवर्ड को क्रैक करने की बातें कर रहे होते हैं, जो जंगवू भी सुन लेता है, एंड वो एडन से फोन मांगने जाता है जिस पर एडन डिनाई कर देता है। जंगवू इनडायरेक्टली एडन को वो बात जता देता है कि एडन के फादर उसको बहुत निकम्मा और नकारा समझते हैं, एंड उसकी जगह वो चाहते थे कि जंगवू उनका सगा बेटा होता। ये याद करने के बाद एडन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जंगवू के कॉलर्स पकड़ लेता है।
एंड इसी बीच हवाइन डायन का फोन ले लेती है। हमें पता लगता है हवाइन ने कैमरे की नजर से बचकर नोट के थ्रू जंगवू से बात करी थी एंड उसको पता लग गया था कि जंगवू के एजेंसी ने उसका फोन ले लिया है और उसने उसको अपनी हेल्प भी ऑफर की थी। हवाइन एडन को वार्न कर देती कि वो जंगवू से दूर रहे। हवाइन को पता होता है कि जंगवू और ब्यूल डेट कर रहे हैं एंड वो आज के इंसिडेंट को डायन को बताने के लिए बोलती है और बोलती है कि उसको सच बता दे कि तू इस टाइम कौन सी सिचुएशन में है। जंगवू डायन का फोन उसको ये कहकर वापस कर देता है कि ये बाहर पड़ा था। जंगवू डायन को टेंशन नहीं देना चाहता था इसलिए वो उसको कोई सच नहीं बताता अपनी सिचुएशन से रिलेटेड। डायन को बोलता है कि कभी कभी मेरा मन करता है मैं सभी को बता दूं कि हम दोनों रिलेशनशिप में है। जिस पर डायन बोलती है यहाँ पर तो पॉसिबल होने से रहा, चल हम दोनों फ्रांस चलते हैं, वहां हम सबको बताएंगे। ये सुनकर जंगवू को भी हंसी आ जाती है। ये खरबूजा फिर से अपनी खरबूजे जैसी शक्ल उठाकर वर्क आवर कंप्लीट होने के बाद भी ब्यूल को बातों बातों में शो करने लग जाता है कि उसको पता है कि वो ब्यूल है। तो ब्यूल को बोल देता है कि पिछले साल भी तुम डायन के साथ स्विच हुई थी और इस साल भी तुम डायन के साथ स्विच हुई हो एंड तुम कब तक ऐसे छुपती फिरोगी। जिस पर ब्यूल मना तो करती है बट उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती। खरबूजा किसी को फोन कर बता रहा होता है कि जो ब्यूल कैमरे के सामने है वो ब्यूल नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ स्विच हो गई है। अरे डायन के साथ पता तो है। ओहो नहीं पता तो पार्ट वन और सीजन वन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके चेक करो। वो फोन वाली लड़की एविडेंस के तौर पर खरबूजे से उस हमशक्ल लड़की की पिक मांगती है, जिस पर खरबूजा एग्री करते हुए बोलता है कि लाइक देखता हूँ। वे फोन पर पता नहीं अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और वो इंसान एडन को बताता है कि जंगवू ब्यूल को डेट नहीं कर रहा बल्कि किसी और को कर रहा है। और यहीं पर बैंग इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी असाइनमेंट्स है तो वीडियो थोड़ी लेट आपको मिल सकती है इस वीक में, बिकॉज स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर एंड आई रियली होप माई डी फीवर फैमिली विल अंडरस्टैंड इट। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी बताओ ये वाली एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बाय बाय।